देखते समय देखे, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय केवल महसूस करे और सोचते समय केवल सोचे, यही वास्तविक कर्म है। आकाश में पूर्व और पश्चिम में कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर ये सच है ऐसा विश्वास कर लेते हैं। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे, यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। मन से पाप करने वालों को मन से, तन से पाप करने वालों को तन से, दिल से पाप करने वालों को दिल से और दिमाग से पाप करने वालों को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या छिन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। संसार का नियम है, जिस तरह से विचार हम अस्तित्व को संप्रेक्षित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो, बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है और अग्नि से तेज क्या है, और कौन है जो काजल से काला है। श्री कृष्ण ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, अग्नि से तेज क्रोध है और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे होना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो, और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, इसलिए जो मिला है उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए करो, जन सफल होगा। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही अपनों को याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हैं,
पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझें, खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पे कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, ना ही काम करने में तुम्हारी आशक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। इस स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हो, तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थितियों को जिया और जीता। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का साहस तब होता है जब खुद को ठोकर लगती, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो सिर्फ चिंता क्यों करनी, और यदि समस्याओं का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता क्यों करनी। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं वो कुछ नहीं सीख पाते। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुखों को न्योता देना होता है। डर का अभाव होना साहस नहीं बल्कि डर पर विजय पाना है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए, वो अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध एवं गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जीवन में जो भी करो पूर्णता संपन्न के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसका मन कभी शांत नहीं रहता। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं है। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे और इसकी तल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता चला जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर
किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वालों को बेहिसाब होता देखा है, मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। आजकल सब यही करते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पे कड़वे घूंट पीने बहुत ज़रूरी होते हैं। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी आसान बना ली, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन आने जाने के बीच में कहीं एक सुख ऐसा होता है जो कभी नहीं आता और कोई एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी उदास नहीं होता या फिर दुखी नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उनका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और परिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं हो सकता, और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़े नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसकी जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना वो आपके हाथ में आवश्यक है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे अच्छा रिश्ता है। हमारे विचारों का ही परिणाम है, मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं वो ही हम बन जाते हैं। अगर अत्याधिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहाँ उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान ही वो समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज़्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं। वो जो अपने परिवार से अधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो गरीब है, भले ही वास्तविकता में बहुत ही दूर क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं वो करीब होते हुए भी बहुत दूर हो जाता है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो ज़रूरत पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी मन इंद्रियों को पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने मन सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं है पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को भी बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। कोहरे से अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीव उनके रास्ते में ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते रहो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय है कि वो जलता है। अभी तो इसलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शास्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग कर सकता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने की कई बहाने होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं वो दूर जाने की हजार वजह खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़े से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, विनती करने लगता है कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता, मैं जिस हाल पे हूँ उस हाल में मुझे छोड़ दो, तुम चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा अधिक मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो, यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी लोग पूजा करेंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वो
उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ा उठाई और उस पत्थर की मूर्ति को बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़े का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग उसकी पूजा पाठ करने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर से गाँव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते, उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछताता रहता, दुखी होता रहता, अपने आप से कहता रहता कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत करने में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।